दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एट प्रेजेंट हम कोविड की वजह से बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को फेस आउट कर रहे हैं, तो ऐसे समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ पर काम करें और हेल्दी खाना खाएं। तो आज मैं आपके साथ एक हाईली न्यूट्रिटिव बहुत ही हेल्दी डाइट शेयर कर रही हूँ, जो है वेजिटेबल मूंग दाल दलिया। सबसे पहले हमें आधा कटोरा दलिया ले लेना है और 4 टेबलस्पून मूंग दाल, जो कि कटी हुई छिलके वाली मूंग दाल है, दोनों को ही भिगो लेना है, अच्छे से धो लेना है और 5 से 10 मिनट्स तक अच्छे से भिगा के रखना है पानी में। ऐसा करने से दलिया और दाल की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में वेजिटेबल्स में मैंने लिया है यहाँ थोड़ा सा गाजर, फूलगोभी, 3 बीन्स, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का आलू। इन सभी सब्जियों को हमें इस तरीके से बारीक अच्छे से काट लेना है। इसके साथ साथ मैंने आधा कटोरा मटर लिए हैं, थोड़ा सा धनिया और 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसे इस तरीके से बारीक काट लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बहुत ही पौष्टिक वेजिटेबल मूंग दाल का दलिया। सबसे पहले हमें कढ़ाई में 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप ऑयल लेना है। गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून राई, हींग और जीरा मिलाना है। अब सबसे पहले हमने जो प्याज काटा था उसे थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेना है। जैसे ही प्याज भून जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, तो सारी सब्जियां इसमें मिला देनी, जो कि शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, आलू और बीन्स। इन्हें थोड़ी देर अच्छे से मिलाने के बाद 1 मिनट तक अच्छे से हिला लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को लहसुन, जो हमने 3 से 4 कलियां लहसुन बारीक काटी थी, वो मिला लेनी है और इसको भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेना है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद हमें फाइनली टमाटर इसमें मिलाना है और टमाटर मिलाने के बाद इसे कुछ देर तक, 1 से 2 मिनट तक टमाटर अच्छे से पक जाएं, इसलिए ढक्कन बंद करके इसे रख देना है। नेक्स्ट हमें फाइनली जो आधा कटोरा मटर है वो इसके साथ मिला लेना है और सभी सब्जियों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब मसाले डालने की बारी है, तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टेबलस्पून, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर मिला लेना है और सभी मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से हिला लेना है। फाइनली हमें 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर इसमें मिलाना है और सभी सब्जियों को के साथ जो है हमने दाल, मूंग दाल और दलिया भिगाया हुआ था पानी में, उसी पानी के साथ इन सभी मसालों को और सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेना है। देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये कितना अट्रैक्टिव और पौष्टिक लग रहा है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब हमें लास्ट में जो हमने धनिया काटा था उसके साथ इसे मिला लेना है और थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी मतलब आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है, इतना पानी आपको, छोटा ग्लास जो होता है उतना पानी, 100 ml जितना हमें पानी, 150 ml जितना, 100 to 150 ml जितना पानी लेके इसे मीडियम फ्लेम में 1 सीटी लगाने तक पका लेना है। देखिए बहुत ही पौष्टिक मूंग दाल का दलिया, वेजिटेबल मूंग दाल दलिया रेडी टू ईट। आई सजेस्ट यू ऑल कुक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।